नागपुरात सीजीएसटी मधील अधीक्षक प्रशासनाची जय शारदा मा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कडून फसवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सीजीएसटी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पोलिसांचा पुढील तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सीजीएसटीमध्ये गाड्यांसाठी टेंडर निघाला होता. यात जय शारदा मा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सने 29 डिसेंबर 2021 रोजी टेंडर काढला असून त्यांनी त्यात बँकेचे स्टेटमेंट लावले होते. त्यात काही एंट्री खोट्या आहेत असे कळताच सीजीएसटी अधीक्षक प्रशासन त्रैलोकचंद भाईचंद कुमरे यांनी सीजीएसटी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांचा पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनोद चौधरी यांनी दिली. फिर्यादी आहे श्री त्रिलोकचंद भाईचंद कुमरे, अधीक्षक प्रशासन आहे जीएसटी सेंट्रल एक्साइज नागपूर ऑफिस में. उन जीएसटी ऑफिस में कुछ गाड़ियों के लिए वहाँ पे टेंडर निकला था जिसमें मेसर्स जय शारदा मा टूर्स एंड ट्रैवल्स के तरफ से 29/12/2021 को वो टेंडर हासिल करने के लिए उन्होंने टेंडर भरा था और उसके साथ में उन्होंने कुछ बैंक के स्टेटमेंट लगाए हुए थे. और जब उनके टीम ने ये टेंडर चेक किए तब उन्हें मालूम पड़ा कि उसमें जो बैंक के स्टेटमेंट है उसमें कुछ झूठे एंट्री तैयार की है, झूठे एंट्री बनाकर झूठी कागजात बनाकर झूठी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपलोड किया था. और ये उन्हें जब जानकारी मिली तब उन्होंने जीएसटी ने पुलिस स्टेशन में तकरार दिया है. उसके हमने प्राथमिक चौकसी की और प्राथमिक चौकसी के बाद में हमने कलम 420, 465, 468, 471 बादवी के अनुसार हमने गुना दर्ज किया है. उसका अभी तपास शुरू है.